इटवा नगर पंचायत के अशोक नगर का पिडारी अस्थाई गौशाले की हाल बदहाल दिखाई देता नजर आ रहा है। सरकार गौशालों संचालन के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ की हाल बदहाल दिखाई देती नजर आ रही है, जहाँ मवेशियों को खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा मवेशियों के ठहराव के लिए जो व्यवस्था किया गया था वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ऊपर जो छजान के टीन सेट की व्यवस्था किया गया वह भी टूट रहा है। तो दूसरी तरफ जो पानी की व्यवस्था के लिए नाद बनाया गया उसमें गोबर से पटा दिखाई दिया। गौ सेवाओं का कहना है कि इसमें पानी नहीं रुकता है, सिर्फ दिखावे के लिए बना हुआ है। नीचे बनी फर्श भी टूट गई जो ठेकेदारों के माध्यम से बनाया गया था। तो क्या माना जाए, सरकारी धन का सदुपयोग हो रहा है दुरुपयोग? अपनी राय हमें बिले दस्ता के कमेंट बॉक्स लिखकर शेयर जरूर कीजिए। आज तो अभी भूसा छोड़ा जाता है, हमारे तो नहीं हिंदू में नहीं रहें होम होम के कहते हैं लेट के पहुँचे तो अब भूसवा छोड़ा जाता है। अब लेटिया रही तो पनियम फुहा मारा तब दनवा चला। मंगरे ये जो वो है गौशाला इटवा में पड़ा था। हाँ, फर्श बना बिल्कुल टूट ही गया। हाँ टूटा। कहती आपका बताओ जी। अब हम ये बताएं कि शुद्ध हो जाता उसका। तो फर्श किसके माध्यम से बना रहा ये? तो ठेकेदार रहे बनवाए। ठेकेदार के माध्यम से बना तो फर्श तो सारा टूट गया। हाँ मेरा। और ऊपर जो नीच टीना रखा गया ये भी टूट गया। हाँ जो है पशुओं का काफ़ी दिक्कत है। यहाँ टोटल कितनी गाय हैं? अभी समय तो नाइट भी जीना हम 140 से बाजी डॉक्टर साहब आए थे जीन यहाँ पे तो लगाई यहाँ तो पुरनिया धुरनिया पास तो मरी हुई है। तब हम का बिना नाइट है तो हम Yes.